बहुत ही अपने अजीज साथी दोस्त बड़े भाई छोटे भाई जनाब हाजी सुलेमान सिद्दीकी साहब को मुजफ्फरनगर में समाज सेवा के लिए बहुत जाने जाते हैं और शासन प्रशासन में उद्योग में उनका बड़ा मुतारफ नाम है, व्यापार मंडल में उसके जिम्मेदारों में से हैं, वो तशरीफ ला रहे हैं। शुक्रिया बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुबारकबाद और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतने बड़े मजमे के अंदर जो हमारे मुल्क के होने वाले मुस्तकबिल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है, मुझे बोलने का मौका मिला है कि आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे और उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें जिस रास्ते पे हाफिज कुरान जाएंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने कुछ भी नहीं, आपने इल्म हासिल किया, लेकिन जिनके साथ किया मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा हजरत मौलाना सालिम साहब के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह चाहे जिला अधिकारी हूँ, वहाँ के SSP हूँ मुजफ्फरनगर के, अगर कौम की बात आई तो हमने ईंट से ईंट बजाई है, कभी हम झुके नहीं है कभी भी। और अल्लाह का इतना बड़ा करम रहा है कि बड़े से बड़े आलिम, अल्लाह का शुक्र है उनकी सरपरस्ती में मैंने काम किया। 2013 का दंगा था, सबसे बड़ा नाम हिंदुस्तान का मौलाना अरशद मदनी साहब, उनका तमाम अहले हवाल और बड़े बड़े मुफ्ती इकराम में सब लोगों के साथ रहा, लेकिन आज मैं शेर हिंद का अगर नाम या खिताब देना चाहूंगा तो मैं आपके मौलाना अरशद सालिम साहब को देना चाहूंगा। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा से आप लोगों के साथ रह रहे हैं, आपको मालूम है पूरे देवबंद के अंदर अगर सीए के पास खिलाफ कोई बोला है तो मौलाना साहब बोले हैं, उसके बाद आज ये मजमा इकट्ठा हुआ है। सीए की बात कर रहे थे, मेरे से मेरे RSS के लोगों ने पूछा, अरे भाई मुसलमानों को तो इखलाफ नहीं होना चाहिए इसके। हमने कहा पहले तो हमें आपकी बात पे एतबार नहीं है, दूसरी बात जब देश का बंटवारा हो गया और वहां के हिंदुओं ने पाकिस्तान के उसे अपना मुल्क मान लिया तो उसको तुम उसके लिए सीए बना रहे हो, अगर तुम्हें सीए ही बनाना है तो मैं हिंदुस्तान का एक आपको वाक्य बताता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी वृद्धा आश्रम है अल्हम्दुलिल्लाह एक भी मुसलमान उसमें नहीं है, तमाम वो हिंदू लोग हैं जो उच्च परिवार से बड़े बड़े परिवारों से लगते हैं। हमने कहा उनके लिए बनाओ, उनके माँ बाप की क्या खिदमत होती है, हमारे मदरसों में आओ, इंशाल्लाह हम सिखाएंगे आपको और बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये पूरी कौम से बहुत बदनुमा साहब को इन्होंने अपने एक मिनट के पैगाम में साफ किया। हकीकत में ये है कि आज भी सियासी चादरों के नीचे से मुखमल पकड़े जा रहे हैं, फौज में पकड़े जा रहे हैं, नेवी में पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मुसलमान आज तक मुख पर करता हुआ नहीं पकड़ा गया और कभी देश से गद्दारी करते हुए नहीं पकड़ा गया।